थे देश में, व्यवसायिक समागम होते थे, बिजनेस के समिट होते थे, उद्योगपतियों के लिए आयोजन सरकारें कराती थी। पहली बार किसानों के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से, एक व्यवसायिक तरीके से इस तरह का आयोजन हुआ, जहां किसान ये देख रहे कि उनके लिए विशेषज्ञ दुनिया के बाहर के देशों से आ रहे हैं, इसराइल के, जापान के विशेषज्ञ आ रहे हैं, और देश के जो भी चुनिंदा संस्थान पूरे देश में हैं वहाँ के विशेषज्ञ आए, तमाम किसान आपसे मिले होंगे। क्या लग रहा है किसानों को भारत की राजनीति में वो महत्व नहीं मिल पा रहा था अभी तक? देखिए, यही इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की किसानों के प्रति कितनी बड़ी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए यह पहली बार आयोजन होना, यह हमारी सरकार के प्रतिबद्धता को, किसानों की हम कितना ईमानदारी के साथ किसान को विकसित करना चाहते हैं और उनको समृद्धि, आर्थिक समृद्ध करना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, यह उसका एक तरीके से यह उसका उदाहरण है कि यह कमिटमेंट है हमारे सरकार का। और इसलिए हम लोगों ने इस की रचना, बहुत सारे सम्मेलन हुआ करते थे, व्यापारी का हो जाता था, पूंजी निवेश करने के लोगों का होता है, लेकिन किसान की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो, यह प्रयास पहली बार इतने व्यापक तौर पर हुआ है और यह हमारे सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की, अल्प शिक्षित या शिक्षित या फिर अशिक्षित युवा। भारत दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश हो चुका है और आबादी के नंबर पे तो हम चीन के पीछे दौड़ रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो जाए। ऐसी स्थिति में जो रोज़गार की चुनौती है, जो लोगों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराने की चुनौती है, क्या आधुनिक कृषि, लाभदायी कृषि एक बड़ा रोज़गार का विकल्प बन सकती है, स्वरोजगार और एक उद्योग के रूप में, जिस तरह से आपने बताया कि खेती को उद्योग के रूप में देखा जाए? कृषि क्षेत्र में बहुत सारे रोज़गार की संभावनाएँ हैं और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ी ताकत मिलेगी। आप मेरे साथ चलिए और चल करके एक चारा तो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन यदि आप उसको चल करके देखेंगे, आज चारा उत्पादन और चारा के संयोजन से बहुत बड़ी आमदनी हम कर सकते हैं। हर क्षेत्र के भीतर यदि प्रयास अच्छे किए जाएँ, उसका एक मॉडल यहाँ पर खड़ा है कि कैसे एक मिनट के भीतर वो लगभग एक कुंटल 60 किलो चारा कैसे तैयार करता है, कि ऑफ टाइम में जब चारा नहीं रहता है तो किसान कैसे जो है वो चारा की बिक्री करके आमदनी करा कर सकता है, तो उसका एक मॉडल यहीं पर खड़ा है, आप जाकर के उसको देखिए।